नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप रूहल VLDA, पशुपालन विभाग हरियाणा में पिछले कई वर्षों से पशुपालकों की सेवा में कार्यरत हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में लंपी स्किन डिजीज के अलावा कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं कि जिनमें भैंस को ब्याए हुए 4-5 दिन हो गए हैं और वहां पर जब पशुपालक उसको बांट बाखर या दाना उसको डालना शुरू करता है तो वहां पर दोस्तों पशु दाना नहीं खा पाता है। सूखा चारा तो वो आसानी से खा लेता है, लेकिन जैसे ही उसको दाना मिश्रण उसको डालना शुरू करते हैं, बांट बाखर पशु को डालना शुरू करते हैं, तो वहां पर वो दाना चारा बिल्कुल खाना छोड़ देता है और उसके कारण उसका दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो इस प्रकार के दोस्तों आजकल बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। कई सारे पशुपालक साथियों के फोन भी आते हैं इसी बारे में और डिस्पेंसरी में भी बहुत सारे पशुपालक साथी आकर के मिलते हैं। सभी की यही कॉमन समस्या रहती है कि जी भैंस को ब्याए हुए 4-5 दिन हो गए हैं और उसको जब हम दाना डालते हैं तो बांट बाखर वो खाती नहीं है, सिर्फ सूखा चारा खाती है, तो उससे वो दूर पर आएगी कैसे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि ये क्या बीमारी है, क्यों पशु में ऐसा होता है, किस कारण से ये कमजोरी पशु में आती है और क्या इसका हम इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील आप सभी से करना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर आप वीडियो को करेंगे जानकारी उतने ज्यादा पशुपालकों तक पहुंचेगी। और दोस्तों जो साथी चैनल पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पशुपालकों को सभी सरकारी योजनाओं और पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी हर वो जानकारी दी जाती है जिससे पालक को लाभ हो। तो दोस्तों ये जो अभी हाल ही में जो समस्या देखने को मिल रही है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि चारा तो सूखा चारा तो पशु आसानी से खा लेता है, लेकिन जैसे ही उसमें दाना या बांट बाखर उसमें डालना शुरू करते हैं तो पशु बांट बाखर तो खाता ही नहीं है, चारा भी खाना छोड़ देता है और उसको कई प्रकार के हाजमे की दवाएं देने के बाद भी, कई प्रकार के लीवर टॉनिक देने के बाद भी उसको कोई आराम नहीं लगता। कितने ही उसको लीवर टॉनिक, कितनी ही हाजमे की दवाई उसको दे लो, उसको कोई आराम नहीं लगता, वो दाने चारे पर नहीं आ पाता है। और ऐसे में दोस्तों उसका मिल्क प्रोडक्शन तो कम होता ही होता है। इसके अलावा दोस्तों लेवटी का जो साइज है वो अचानक से, लेवटी उसकी बिल्कुल अचानक से सिकुड़ने लग जाती है, लेवटी का साइज सिकुड़कर छोटा होने लग जाता है। ये एक दोस्तों बहुत बड़ी समस्या आजकल देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये असल में कीटोसिस एक बीमारी होती है, कीटोसिस का ही एक ये लक्षण है। कीटोसिस क्या होती है, ये दोस्तों एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के कारण, यानी कि नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का मतलब है कि जहां पर शरीर में ऊर्जा या शरीर की ताकत की जहां पे कमी होनी शुरू हो जाती है, यानी कि कह लीजिए एक प्रकार की शारीरिक कमजोरी जहां पर पशु के शरीर में आ जाती है, तो उस कंडीशन को दोस्तों कीटोसिस बोलते हैं। और उस शारीरिक कमजोरी के कारण ही दोस्तों पशु जो है बांट बाखर नहीं खा पाता है। और अब बांट बाखर अगर पशु नहीं खाएगा तो साधारण सी बात है वहां पर मिल्क प्रोडक्शन उसका बढ़ने की बजाय कम ही होगा। और ब्याने के 4-5 दिन बाद पशुपालक को ये उम्मीद होती है कि अब जो है पशु दूध में जो है बढ़ोतरी करनी शुरू करेगा, लेकिन वहां पर दोस्तों इस शारीरिक कमजोरी के कारण, बांट बाखर ना खा पाने के कारण, वो बढ़ोतरी करने की बजाय उल्टा घटोतरी करना शुरू कर देता है। और ये दोस्तों पशु में कमजोरी आती किस कारण से है, असल में जहां पर दोस्तों पशु के शरीर में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, ग्लूकोज की जहां पर पशु के शरीर में कमी हो जाती है, तो ग्लूकोज की कमी के कारण दोस्तों ये कमजोरी पशु के शरीर में आती है और वहां पर जो है उसका खान पान बिल्कुल बिगड़ जाता है, पशु का मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो ये दोस्तों कीटोसिस की एक शुरुआती स्टेज है, कीटोसिस बीमारी का ये एक लक्षण है। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों कीटोसिस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। आज हम इस वीडियो में सिर्फ इस बात पर, इस समस्या के समाधान पर चर्चा करेंगे कि जहां पर पशु दाना या बांट बाखर खाना छोड़ देता है उसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन अगर आप चाहेंगे, अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो दोस्तों कीटोसिस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बना करके लेके आएंगे, उसमें हम कीटोसिस के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी देंगे अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो। तो ये दोस्तों जो मैंने आपको बताया कीटोसिस का जो ये लक्षण होता है, जहां पर शरीर में कमजोरी आ जाती है, पशु बांट बाखर खाना छोड़ देता है, इसका दोस्तों क्या समाधान किया जाए, किस प्रकार से इसका इलाज किया जाए, तो उसके लिए दोस्तों ये एनिमैक्स फार्मा का एक पाउडर आता है एनर बूस्ट के नाम से। इसमें दोस्तों इन्होंने एक तो बाईपास फैट डाला हुआ है जो इस प्रकार की कंडीशन के लिए बहुत ही सुटेबल रहता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बाईपास फैट इस प्रकार की कंडीशन में जहां पर पशु बांट बाखर खाना छोड़ देता है। और दोस्तों इसमें कैल्शियम प्रोपियोनेट डाला गया है जो कि पशु की शारीरिक कमजोरी को दूर करता है, पशु को ताकत प्रोवाइड करने का काम करता है। तो दोस्तों ये जो पाउडर है एनर बूस्ट, ये 1 किलो की पैकिंग में आपने लेकर के आना है और इसको दोस्तों 100-100 ग्राम सुबह से हम आपने पशु को खिलाना है।
पांच दिन का ये कोर्स रहेगा। एक किलो का पैकेट आप सुबह से हम 100 ग्राम पशु को जब खिलाएंगे तो 5 दिन तक आपका ये पैकेट चलेगा। और जब ये दोस्तों आप पैकेट खिलाना शुरू करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि दूसरे दिन से ही आपके पशु में आराम लगना शुरू हो जाएगा। दूसरे दिन से ही पशु आपका दाना या बांट बाखर खाना शुरू कर देगा, और जैसे ही वो बांट बाखर खाना शुरू करेगा उसका मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका जो अडर का साइज है वो भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इससे आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट दोस्तों देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी आपका पशु रिकवरी कर जाता है। और दोस्तों जो साथी चाहते हैं कि ब्याने के बाद अगर आपके पशुओं में इस प्रकार की समस्या पैदा ही ना हो तो वहां पर दोस्तों आप ब्याने से पहले भी ये पाउडर अपने पशु को खिला सकते हैं। 100 ग्राम की इसकी डोज रहेगी, सुबह शाम आप 5 से 10 दिन तक ये खिला सकते हैं। एक पैकेट आपका 5 दिन चलेगा, 2 पैकेट अगर आप चाहें तो 1 से 2 पैकेट आप खिला सकते हैं। और इस प्रकार की कंडीशन में दोस्तों जहां पर ग्लूकोज का लेवल पशु के शरीर में कम हो जाता है वहां पर कार्बोहाइड्रेट्स की भी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो उसके लिए दोस्तों मीठा बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि मीठे से कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो इसलिए दोस्तों वहां पर आप जो है पशु को लगातार गुड़ का शरबत या फिर खांड का शरबत आप उसको करके जरूर पिलाते रहें, या फिर शरबत अगर आपका पशु नहीं पीता है तो आप उसको खाली सूखा गुड़ खिला सकते हैं। मीठा आप जितना अपने पशु को खिलाएंगे ब्याने के बाद उतना आपका पशु जल्दी रिकवरी करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। फिर से आपको एक बार अपील करना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए क्योंकि जानकारी से काफी सारे पशुपालकों को लाभ हो सकता है। और दोस्तों लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।